नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नहरी ज्ञान में। आई होप सभी अच्छे होंगे, आप सब बढ़िया चल रहा होगा। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था 2 साल पहले, क्या होते हैं, कैसे डिजाइन किया था, एक्सेल शीट मैंने अपलोड की थी, इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिली, काफ़ी मेरे पास फोन भी आया था। तो आज मैं फील्ड में जाके एक कैनाल के ऊपर आपको बताता हूँ कि आउटलेट क्या होता है, इसकी क्या टर्म्स होते हैं, कौन सा IS कोड यूज करते हैं, APM फर्स्ट जी सेकंड, ये आउटलेट क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल आज ये करके आप फील्ड में देखेंगे। फील्ड में मेरे साथी हैं दिनेश सिंह मार, वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करेंगे, और जो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था वो उसका भी लिंक इसमें जाकर मैं ऐड करूंगा। चलो साथी चलते हैं कैनाल। नमस्कार साथियों, आज फिर से हम आपके बीच में हाजिर है एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ में। साथियों आज हम बात करेंगे कि जो हमारा कैनाल आउटलेट होता है वो फील्ड में कैसे लगाया जाता है और कैसे उसको डिजाइन किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे APM मशीन के, जनरली इसको बोलते हैं APM मशीन, एडजस्टेबल मॉड्यूलर प्रोपोर्शनल मॉड्यूलर। तो ये फील्ड में हमारे कैनाल के अंदर APM मशीन लगी हुई है, जो आपको जो लोहे की ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये। तो साथियों ये इसकी जो ओपनिंग विड्थ है इसको बी बोलते हैं, और वाई है वो उस साइड से मेजर करते हैं क्योंकि इस साइड में ये करोड़ पोर्शन बना होता है। तो इसको डिजाइन करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है Q=7.3BY√CH। तो साथियों क्यू हमारे पास पहले से होता है हमारे पास में, क्योंकि जो हमारे पास वाटर अलाउंस होता है, हमारे पास CC होगा, अगर किसी भी चक्का डिजाइन करना है तो CC होगा, CC के अकॉर्डिंग, वाटर अलाउंस के अकॉर्डिंग हमारे पास उसका डिस्चार्ज आ जाएगा। अब डिस्चार्ज के बाद में क्यों हमारे पास अवेलेबल है, अब हमें BY और CH रह गया। तो BY का जनरली हम जो रेशियो रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं कि B है वो Y की हाफ होती है। अब बच गया हमारे पास CH, तो उस CH की वैल्यू क्या होती है साथियों। अब मान लो इस कैनाल के अंदर पानी चल रहा है, तो अगर यहाँ तक पानी है FSL जिसको हम बोलते हैं, तो जो इसका क्रस्ट लेवल है, जो CL क्रस्ट लेवल है, क्रस्ट लेवल से इस हाइट तक जो पानी चल रहा है ये होता है कैपिटल H। CH इज इक्वल टू होता है कैपिटल H माइनस स्मॉल H। तो और जो स्मॉल H होता है वो होता है इसके टॉप से लेके, यानी इस आउटर साइड से हम मेजर करेंगे, यहाँ तो आपको करोड़ पोर्शन दिख रहा है, उस साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके टॉप से लेके और इसके जो बीच में डिफरेंस होता है, यानी इसकी जो ओपनिंग हाइट है माइनस कर देंगे तो इसकी आ जाएगी CH। CH इज इक्वल टू हो गया कैपिटल H माइनस इसकी ओपनिंग हाइट। ओपनिंग हाइट इसकी मेजर करते हैं आउटर साइड से, क्योंकि इस साइड में जो कॉर्ड पोर्शन होता है ऊपर से, ये कॉर्ड पोर्शन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि स्मूथ फ्लो के लिए। मैं साथ कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि उस साइड में आए ताकि उनको। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड से आपको शार्प एज बिल्कुल BY के रेशियो में, अगर बी 0.5 है तो वाई इसकी हो जाएगी 1, यानी जनरली इसका रेशियो हम रखते हैं जो बी है इसकी, वाई है वो इसकी बी की दुगनी होती है। तो BY का रेशियो में पता चल गया, उस हिसाब से हमारा CH आ जाएगा, और क्यों हमारे पास पहले से डिसाइड है, इस प्रकार से पूरा APM हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो ये APM जनरली तब भी यूज करते हैं जब हमारे पास फ्री फॉल कंडीशन हो। फ्री फॉल आपको कंडीशन दिख रही होगी, जो इसका FSL है और जो वाटर कोर्स का FSL होगा उसमें लगभग 1 फिट का यहाँ डिफरेंस है। तो साथियों इसी तरीके से हम इसका APM का डिजाइन करते हैं, आपको फील्ड में दिख रहा होगा। और APM का डिजाइन जनरली हम APM ही यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि इसके काफी ज्यादा मेरिट्स। दोस्तों आउटलेट की बात कर ली अपने, अब देखते हैं पानी कैसे निकलता है। ये कोई कैनाल्स है जिसमें पानी चल रहा है, और अपने उसके बारे में देखते हैं पानी कैसे निकलता है। ये आउटलेट का बैक साइड का एरिया जहाँ से पानी निकल रहा है, आप देखो स्मूथ फ्लो हो रहा है, जो सेक्शन है उसको टच होकर पानी निकल रहा है। ये कैनाल के इनसाइड से पानी आउटलेट में जा रहा है, इसका जो पानी का जो टॉप लेवल है वो FSL हो गया, बॉटम जो कैनाल का APM का वो क्रस्ट लेवल हो गया। इन दोनों का डिफरेंस वर्किंग हेड होता है, जहाँ FSL ऑफ वाटर कोर्स और FSL ऑफ कैनाल कहलाता है। यह पानी स्मूथली यहाँ से फ्लो हो रहा है। साथियों ये आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि कैसे फील्ड में हम APM मशीन लगाते हैं, APM मशीन की BY सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्यों हमारे पास ऑलरेडी डाटा हमारे पास होगा, क्यों क्यू है वो हम हमारे पास जितना CC अवेलेबल है,
सीसी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कितना वाटर अलाउंस है। जनरली हम वाटर अलाउंस है ये भाखड़ा रीजन में हम 3.0 पर हज़ार एकड़ हम यूज़ करते हैं, 3.0 क्यूसेक फिट क्यूब पर सेकंड। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्यू ऑलरेडी पता होगा हमें, उसके अकॉर्डिंग सी एच की वैल्यू आ जाएगी और बी वाई की वैल्यू आ जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो साथियों ये था ए पी एम के डिज़ाइन के बारे में, धन्यवाद साथियों, हम फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों आप अभी मैंने आपको फील्ड में जाके समझाया कि कैसे एक आउटलेट होता है, क्या बी वाई क्या एच उसका जो होता है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके उसको कॉपी पे रजिस्टर पे डिज़ाइन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली कैसे डिज़ाइन करते हैं। जो सीट होगी मैं आपको साथ में अपलोड कर देता हूँ उसको, और इसका जो मेरा पहले वाला जो वीडियो था उसमें एक्सेल सीट बनी है उसमें आपको कोई जोर नहीं था, सिर्फ आपको बी वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती। तो चलिए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गोविंद जायसवाल, और जैसा कि हम फील्ड पे देख चुके हैं आउटलेट जो है हमारा फील्ड पे नहर के अंदर दिखाया जा चुका है और काफ़ी नॉलेज जो है वहाँ से हम ले चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं एक आउटलेट का जिसका सीसीए है, सीसीए जो है हमारे पास 1184.76 है। ये मैं सीसीए क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी भी आउटलेट के डिज़ाइन के लिए सबसे बेसिक पैरामीटर अपने पास होना चाहिए उसका सीसीए, यानी कि कितने सीसीए ये अपने पास एकड़ में एरिया होता है जिसको अपन को इरिगेट करना है। चूंकि यहाँ पे अपने पास वाटर अलाउंस, वाटर अलाउंस का मतलब है 2.70 क्यूसेक पर 1000 हेक्टेयर, यानी कि यहाँ पे अपने पास 1184.76 जो सीसीए है हमारे पास, इसके लिए पानी का डिस्चार्ज जो है वो इस 2.7 क्यूसेक पर हेक्टेयर के हिसाब से अपना डिस्चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, यानी कि जिस आउटलेट को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका डिस्चार्ज अपन को कितना रखना है। सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अपन को इस वाटर अलाउंस यानी कि 2.76 बाय 1000 गुण मल्टीप्लाई विद 76, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन होकर आती है हमारे पास 2.0 क्यूसेक, यानी कि 3.20 क्यूसेक का हमारे को एक एपीएम डिज़ाइन करना है, एपीएम डिज़ाइन करना है। ये हमको ये चीज़ हमको मालूम है कि 3.2 क्यूसेक जो डिस्चार्ज है उसके अंदर से पास होना चाहिए। तो किसी भी एपीएम आउटलेट के लिए हमारे पास एक बेसिक फंडा होता है कि इसकी हम साइज ऑफ आउटलेट, साइज ऑफ आउटलेट का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये एक आउटलेट है तो इसकी ये हम साइड पे हम देख चुके हैं, ये बैक साइड की ओपनिंग है। बैक साइड का मतलब हम पीछे से जब वाटर कोर्स की तरफ से इसको देखेंगे तो हमारे पास ये एक आउटलेट एपीएम ब्लॉक दिखेगा जिसका वाई जो है हम इसको ये बोलेंगे और बी जो है इसका ये है। इट मीन्स बी और वाई का एक छोटा सा एक ऑरिफिस टाइप का है जिसमें से पानी फ्लो होकर बाहर निकलेगा। ये इसका साइज कितना रखना है जिससे पानी हमको बराबर 3.2 क्यूसेक पानी यहाँ से बाहर आउट हो सके। तो बी और वाई हम अजम्पशंस लेके चलते हैं कि बी इसका जो है वो हम 0.4 फिट लेके चलेंगे और वाई इज इक्वल टू 80 फिट लेके चलेंगे। डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए बी बाय वाई का रेशियो, जो कि फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि 0.50 है। यदि ये बी बाय वाई का रेशियो अगर अलग होता तो हमारे पास एक इसका एक डिज़ाइन का फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू 7.3 बी वाई अंडर रूट सी एच। चूँकि ये 7.3 है ये वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है आपकी बी बाय वाई के रेशियो पर। यदि ये रेशियो 0.5 है तब हम 7.3 वैल्यू जो है वो करेक्ट है। यदि b बाय वाई का रेशियो कुछ और होगा तो हम इंटरपोलेट करके इस कोफिशेंट की वैल्यू निकालेंगे। b हमारे पास है जो हम ले चुके हैं, y हमारे पास assumptions ले चुके हैं, सी एच की वैल्यू जो है वो यहाँ से आएगी। जैसे कि इस आउटलेट से हमारे को इस डिस्चार्ज का 3.20 बी वाई हमारे पास है 0.4 0.8 एंड अंडर रूट सी एच, यहाँ से सी एच की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। सी एच की वैल्यू जो है वो क्या होता है कि हमारे पास जैसे किसी नहर का जो है FSL इस तरीके से है, मान के चलो ये हमारी नहर का इस तरीके से है और यहाँ पे हमारा जो है हमने आउटलेट लगाया, तो ये आउटलेट ऊपर से क्या होता है इस तरीके से एक कर्व शेप में होता है। कर्व शेप में होके आके जाके ये जिस ओपनिंग से खुलता है उससे इस FSL की जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास सी एच की वैल्यू होती है। और जो FSL से ये जो क्रेस्ट इसका जो RL है क्रेस्ट, ये डिस्टेंस जो है हमारी एच कहलाती है। ये काम आएगी, अभी डिज़ाइन में काम आएगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस चीज़ को। तो सी एच की वैल्यू यहाँ से हम निकाल के यहाँ पे आएगी, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा सी एच इक्वल टू
1.85 निकल गया ये, चूँकि सी एच, अब ये जो एच है कैपिटल एच, हम देख पा रहे हैं कि सी एच और ये स्मॉल वाई है, ठीक है, तो कैपिटल एच क्या हो जाएगा, सी एच प्लस वाई, ठीक है, सी एच हमारे पास है, वाई हमारे पास है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, जितना भी सी एच आया हमारे पास और प्लस ये हमारे पास वाई की वैल्यू हमने अज्यूम कर रखी है 0.80, तो हमारे पास एच की वैल्यू जो निकल के आई है 2.65। ये एच की वैल्यू क्या है, हेड ओवर द क्रेस्ट कहलाती है, यानी कि आउटलेट का जो बेस पॉइंट है, ये जो बेस पॉइंट है और जितना नहर के अंदर पानी चलना होता है, यानी कि FSL फुल सप्लाई लेवल पे जो पानी चलता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हेड ओवर द क्रेस्ट कहलाता है। चूँकि हम अब ये पानी, ये जितना अमाउंट का जो पानी है 3.2 क्यूसेक डिस्चार्ज हमने डिजाइन किया है, ये पानी नहर के अंदर से ये आउटलेट कब निकालेगा, एक लोकेशन पता होनी चाहिए हमारे को, एक RL पता होना चाहिए कि ये किस लेवल पे लगेगा, बेड में लगेगा, बेड से ऊंचा लगेगा, कितनी हाइट पे लगना चाहिए, तो उसके लिए आपको पता है FSL का हमारे पास लेवल होगा, डिज़ाइन कैपेसिटी में FSL का लेवल हमारे पास है 646.68, ये हमारी केनाल का FSL। यदि इस FSL से मैं H की वैल्यू माइनस कर दूँ, यानी कि FSL में से मैं H हटा दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, RL ऑफ क्रेस्ट आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास FSL का लेवल हमारे पास पता है, हाइट H जो है हेड ओवर द क्रेस्ट हमको भी हम पता कर चुके हैं, तो हमारे पास जो RL ऑफ क्रेस्ट है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 644.03। एक होती है सेटिंग, लास्ट फाइनल चीज़ है ये सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है H बाई D का रेशियो, यानी कि H हमारे पास 2.65 है और इस केनाल की जो FSD है वो FSD कितनी है, यहाँ पे केनाल की FSD जो ले रखी है वो 6.75। ये चीज़ तो देख पा रहे हैं आप 6.75 D, ये केनाल की FSD है। ये काम कब आता है हमारे, इसकी वैल्यू निकल गई 0.39। ये 0.39 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब इस डिज़ाइन करने के बाद इस आउटलेट को जब हम प्लेस करने जाएंगे तो हमारे पास ये जो डेटा है 0.39 सेटिंग हमारे पास है, यानी कि ये सेटिंग हमारे को क्या बताता है कि एच इज इक्वल टू 0.39 मल्टीप्लाई विद FSD हो जाएगी, ठीक है, तो ये एच हमारे पास होगा, तो केनाल का हमारे को FSL पता है, हमारे को बेड लेवल पता है इसका, ये इसका FSL है, तो हमारे पास FSL होगा, बेड होगा, तो हम इसकी ये एच पता होगा, तो ये हम डिफरेंस पे, जिस डिफरेंस पे हमारे को लगाना है वो हम इसको प्लेस कर पाएंगे कि इस लेवल पे लगाना है, किस लेवल पे लगाना है, ठीक है। और लास्ट में इसमें एक सिंपल सा चेक होता है, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसमें एक चेक है, सिंपल सा चेक है, HM का चेक है 0.82 CH - B/2, जो कि हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0.25 से, है ना, तो मिनिमम मॉड्यूलर हेड होता है, ये जस्ट चेक होता है, इतना हेड चाहिए ताकि पानी पास हो जाए। तो इस तरीके से ये आउटलेट की डिज़ाइन है, ये एक फॉर्मेट है जो जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये APM ब्लॉक है, केनाल RD इतने पे ये हमारे को प्लेस करना है, इसका CC इतना है, डिस्चार्ज हमारे को पता है 3.2 से, ये यहाँ से हम निकाल के लाए हैं, FSL डिस्ट्रीब्यूटरी का हमारे को पता होगा केनाल कैपेसिटी से, वाटर कोर्स का FSL हम वहाँ मौके पे देख सकते हैं साइट पे, DFSD हो गया वर्किंग हेड, जो वर्किंग हेड रखना होता है वो बेड लेवल केनाल का, B जो हमने उसकी ओरिफिस की B और Y रखी है, CH वैल्यू, H वैल्यू पता है, RL ऑफ क्रेस्ट पता है, ये फाइनल हमारा पी फॉर्म का फॉर्मेट है, ये हमने प्रपोज किया है। तो मुझे लगता है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ जानकारी मिलेगी इसके बारे में, और थैंक यू।